गोवा में पणजी और वालपाई विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पणजी सीट से मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटों पर 23 अगस्त को वोट डाला जाएगा। 28 अगस्त को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने पणजी को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर गड्ढा मुक्त और सभी इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है। आंध्र प्रदेश के इस गोदावरी में मोबाइल में ब्लास्ट होने से एक लड़के का पैर झुलस गया। पीड़ित लड़के के मुताबिक शाओमी का स्मार्टफोन पैंट की जेब में रखकर वो कहीं जा रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से उसका पैंट भी जल गया और पैर का एक हिस्सा झुलस गया। हरियाणा के पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। 25 अगस्त को कोर्ट फैसला सुना सकती है। संत गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप है। कोर्ट ने 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है। मालेगांव ब्लास्ट केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नल पुरोहित के वकील हरीश सालवे ने एनआईए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। सालवे ने जमानत देने की अपील की और कहा कि कर्नल पुरोहित पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे ज्यादा की सजा वो काट चुके हैं। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक चार्ज नहीं लगाया गया है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई और इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात बिगड़ते देख राहत बचाव के काम में सेना को लगाया गया है। जिले के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। राहत बचाव के काम में सेना के अलावा एनडीआरएफ और राज्य पुलिस की भी टीमें लगाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने ओमान में फंसी हैदराबाद की नाबालिग लड़की की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की है। नाबालिग की मां की शिकायत पर हैदराबाद पुलिस ने रेप पॉक्सो धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की की उसके रिश्ते के चाचा और चाची ने 5 लाख रुपए में ओमान के बूढ़े शेख से शादी कराई थी। मेनका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मैं सुषमा स्वराज से हस्तक्षेप करने और लड़की को ओमान से वापस भारत लाने का आग्रह करूंगी। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में कैब ड्राइवर का शव मिला है। ड्राइवर की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस लूट के इरादे से हत्या का शक जता रही है। कैब से मृतक का मोबाइल पर्स और दूसरी कीमती चीजें गायब हैं। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के कोडरमा में पुलिस ने एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ पर हमले के लिए सड़क के नीचे लगाए 13 आईडी बम को बरामद किया है। नक्सलियों ने लंगड़ी घाट के जंगल में 20-20 कदम की दूरी पर 13 आईडी बम जमीन के नीचे विस्फोट के लिए लगाए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोट से पहले ही इनको नाकाम कर दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एलपीजी घरेलू गैस और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन नहीं बंटने के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। उत्तराखंड के हरिद्वार में शहीद नरेंद्र बिष्ट को गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद नरेंद्र सिंह के भाई भूपेंद्र के साथ उनकी दोनों बेटियां नेहा और निकिता ने पिता को मुखाग्नि दी। रक्षाबंधन के दिन 7 अगस्त को उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग में हवलदार नरेंद्र बिष्ट के सिर में गोली लग गई थी। जम्मू के सैनिक अस्पताल में नरेंद्र बिष्ट का इलाज चल रहा था, जहां बुधवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।